स्टार्ट फ्रॉम द एंड मीन के गोल तुहानू पता होवे, लास्ट के कॉन्सीक्वेंस या रिजल्ट्स की हुंदे ने। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर के विद्यार्थी जिहड़े बी एड विच एडमिशन लैन जा रहे हैं उन्हां लई इनफॉर्मेशन है कि पहला तो देख सकते हैं समेस्टर वन का रिजल्ट पिछले साल 2022 किस तरह का रहा, किहड़े पेपर विच किन्ने विद्यार्थी फेल होए, रीपीयर आई और किहड़े पेपर विच ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए है, कुछ इस तरह की इनफॉर्मेशन। टोटल विद्यार्थी किन्ने अपीयर होए, किन्ने फेल होए और सारे पेपरों चो पास होने वाले किन्ने सन। रिजल्ट दे विच कुछ एक टर्म्स यूज होंदिया हन, उन्हां तो डरना नहीं है, मीनिंग तो उन्हें पता होना चाहिए है। सो गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी का सैम वन का गजट जिहड़ा तुहाडे सामने है, बैचलर ऑफ एजुकेशन सैम वन एग्जामीनेशन दिसंबर 2022 रिजल्ट शोन इन, मैं पढ़ दिना हाँ ब्रीक जो क्योंकि लिखा है, जो मेन चीज़ है आर एल का मतलब होएगा रिजल्ट लेट है, वह रीज़न जो है ब्रैकट विच दस्या होएगा। जे आर लिखा है तो वह मतलब है रीअपीयर इन सबजैक्ट शोन इन ब्रैकट, जेकर इस तरह आता है। पी आर एस मीन प्रीवियस रिजल्ट स्टैंड, प्रीवियस रिजल्ट स्टैंड, पिछला रिजल्ट है वह जे एंट्री नहीं हुई, एंट्री होकर तो रिजल्ट आउट हो जाएगा। डी फॉर डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन होंदा है 70% या इस तो वध मार्क्स लैन वाले। सो नोट पर्टिकुलर कैंडिडेट गजट ओके, वो टोटल 475 मार्क्स का जोड़े ने पेपर होने ने। सब तो पहला रिजल्ट जोड़ा दिते गए हैं वो है जोड़े रीअपीयर ने पिछले साल के कॉलेज कि विद्यार्थी का सी, हूँ फुल रिजल्ट आ चुका है। जोड़े फेल होने वाले विद्यार्थी उन्हों का भी इस तरह नाम आ जाता है, जिंदगी चो फेल कोई नहीं हुंदा, किसी सब्जेक्ट कोई भी फेल हुंदा वो जां तो तुहाडी इंटेंशन मोटिवेशन जां कोई प्रॉब्लम हुंदी है, अदरवाइज फेल कोई नहीं हुंदा। सो मेरे ख्याल च ये नहीं देखना चाहिए, मैं टोटल दस दिना हाँ किस तरह रिजल्ट हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन अमृतसर रेगूलर है, ये इस तरह तुहाडा नाम है, कैंडिडेट है और ये मार्क्स तुहाडे टोटल जिहड़े है 475 दे विचों, ठीक। ब्रैकट विच किस तरह लिखा होएगा, ये जिहड़ी रीअपीयर जिहदे विचों है, जिस जिस पेपर चो है वह लिखा होया है, पेपर टू चो है रीअपीयर, ओके। पेपर वन टू थ्री फोर एबसेंट होंगे पक्की गल है, रीअपीयर इन पेपर वन है। सो इस तरह रिजल्ट देखा जा सकता है। इस तो इलावा डिस्टिंक्शन वाले बच्चे भी होंगे, गजट के लास्ट के खुद भी देख सकते हो, समरी है, टोटल समरी विच असी सिर्फ ये देखना है कि किहड़े पेपर विचों किन्ने बच्चे पास हुए सी। इतों मेरे ख्याल थोड़ा वड्डा करना, एन एन पास परसेंटेज, ओके। सब तो पहला है अंडरस्टैंडिंग लर्नर एंड लर्निंग एनवायरमेंट, फर्स्ट पेपर है थ्यूरी च 3347 बच्चे जिहड़े सी अपीयर होए, मतलब टोटल बच्चे एन ए सी, ठीक है, ओके। कईयां दे एबसेंट हो जाते हैं, इसलिए पेपर वाइज समरी ये है। टोटल असी की देखना है, परसेंटेज देख लो, कुछ ना देखो, 3194 पास होए है ना, ये 95% 43 ए एन ए पास होए, लगभग 4.5% बच्चे पहले पेपर चो फेल होंगे है। और ये टी ई टी लिए इंपॉर्टेंट पेपर है, कंटेंपरेरी इंडियन एजुकेशन, ये 97 बच्चे पास होए, पहले चो फेल किन्ने हुए मैं लिखन लगा हाँ 4.5 है और ये 3% है दूसरे चो, इट मीनस ज़्यादा बच्चे अंडरस्टैंडिंग चो फेल हुए है। एजुकेशन एंड डिवेलपमेंट, जिद एजुकेशन की मीनिंग डिवेलपमेंट हिस्टरी वैसटर्न कंसैप्ट पढ़ते हो, 98% एंड 6 है। सो ये बन गया लगभग 1.5% दे है ना, ये पास परसेंटेज ज़्यादा है। नैक्सट है साढ़े कोल पैडागोजी ऑफ पंजाबी, हूँ पैडागोजी सारियां दी है, मैं तेज़ तेज़ पढ़ देंगा। पंजाबी विच है पास परसेंटेज 99.17 पास परसेंटेज है, फेल तुसी हूँ खुद कढ़नी है, ठीक। पंजाबी विच बच्चे घट है, यूनिवर्सिटी 727 बच्चे सी, ये पता लग जाएगा पैडागोजी किन्या ने ऑप्ट की है, पैडागोजी का कॉम्पीटिशन किन्ना है। पैडागोजी ऑफ हिंदी विच सब तो ज़्यादा फेल होने वाले 257 चो 153 जिहड़े पास होए ने, 59.53 है ना, 60% पास होए, 40% फेल होए, सब तो माड़ा रिजल्ट इसका रहा। पैडागोजी ऑफ इंग्लिश दे विच्चों 98.45% पास होए बच्चे, ठीक है, ये ज़्यादा बच्चे ने फिर भी 969। नैक्सट है पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस,
742 बच्चे 740 पास हुए और 99.73। देखो जिहड़े ये रिजल्ट है ये टीचर इवैलुएटर उसकी टेंडेंसी किस टीचर को जाता है यदा थोड़ा जहा फर्क पैंदा है, इन्नी मॉडरेशन नहीं हुंदी। सो तुसी इस तो मोटा मोटा अंदाजा लगा सक दिखता है टीचिंग ऑफ हिस्टरी दे विच जिहड़ा है पेपर 85% टीचिंग ऑफ हिस्टरी विच सैकेंड पेपर जिससे सब तो ज़्यादा फेल हुए है लगभग 15% 14.5% बच्चे इस चो फेल हुए ने और पैडागोजी ऑफ ज्योग्राफी पोलीटिकल साइंस इकनोमिक्स इस 100% बच्चे पास हुए है। कारण की है तीन ही बच्चे सिर्फ ज्योग्राफी देखो सिर्फ तीन बच्चों ने ली है और पोलीटिकल साइंस ये PGT लिए एलीजिबल होंगे। हुण इत्थे समझ लो जिहड़ियां इन्नियां गल्लां आपां पिछे करदे सी सोशल साइंस है ये TGT वाले बच्चे है इन्ने आ ओके हिस्टरी वाला है ये PGT वाला बच्चा है और ये भी PG ज्योग्राफी पोलीटिकल साइंस इकनोमिक्स ये सारे PGT वाले बच्चे हैं। सो इकनोमिक्स के फिर भी 414 बच्चे है सारे पास ने। नैक्सट है अगे कर लेने हाँ इस कॉमर्स के बच्चे 407 बच्चे है और 99.26% पास दी है। कमर्स तो अगे आ गया मैथमैटिक्स अगे इतने इन टॉप से कर लें समझण में आसानी रहेगी। मैं इनू एज ते कर लिया एक स्ट्रैटेजी अप्लाई की कि इस किस तरह याद रखो उत्थे ध्यान रखा। मैथमैटिक्स पैडागोजी चो 97.96 बच्चे पास हुए है 1128 बच्चे इट मीनस मैथ्स के बच्चे ज़्यादा ने। कंप्यूटर साइंस दे 99.48 बच्चे पास हुए है 385 बच्चे ये सिगे पैडागोजी ऑफ साइंस दे इट मीनस हजे सब तो ज़्यादा जी पैडागोजी ये आई है वो 1128 बच्चे जोड़े मैथ्स दे आए ने। ओ ओके जो साइंस है साइंस टीचिंग ऑफ साइंस ये टीचिंग ऑफ साइंस ध्यान रखना टीचिंग ऑफ साइंस TGT है और मैथ जिहड़ा है TGT भी है PGT भी है मैथ इसलिए बैटर है। ओके नैक्सट है 907 98.02% है पास परसेंटेज है। फिजिकल साइंस PGT लिए है ये 153 100% रिजल्ट है 153 और पैडागोजी ऑफ होम साइंस लाइफ साइंस भी है ये भी 150 है 147 98% है 2% बच्चे फेल हुए है। होम साइंस है पैडागोजी ऑफ होम साइंस इस दे 24 बच्चे है सारे पास ने। अगे है होम साइंस फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक फाइन आर्ट्स इन्हों के 100% रिजल्ट है और लैंग्वेज अक्रॉस द करीकुलम पैडागोजी के खत्म हो गए ये हम कंपलसरी पेपर आ गया लैंग्वेज अक्रॉस द करीकुलम 3344 बच्चे 3344 बच्चे अपीयर हुए सी पास किन्ने हुए 3299 है ना 98.65% 1.5% बच्चे ये चो लगभग फेल हुए। रीडिंग एंड रिफ्लैक्टिंग टैक्सट विचों 3000 ये 100% पास ने ये विचों बच्चे कोई बच्चा ये फेल नहीं होया। हुण टोटल रिजल्ट देखो फुल परसेंटेज 3517 ये बच्चे इन्ने अपीयर हुए ओके और अच्छा ये प्रैक्टिकल है भी रीडिंग एंड रिफ्लैक्टिंग करके है सारे पास सॉरी ये मैं वो बोल दिता कि थ्यूरी है और ये पास किन्ने हुए सारे सब्जेक्ट चो पास किन्ने हुए 35 घबराना नहीं है कोई एक चो फेल है दूसरा किसी चो तीसरा इसलिए फुल सब्जेक्ट 3517 बच्चे टोटल पास हुए। ये टोटल परसेंटेज यदि कितनी बनती है 82.83% ठीक है। सो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की पास परसेंटेज है। पेपर बारे है इस बारे कोई भी सवाल हो तुसी कर सकते हो इस वीडियो के अंदर करो तो नैक्सट वीडियो जवाब दी बना देंगा। सो इस तो गाइडेंस लेनी है ना जे कोई पेपर वीक किसी चो नहीं रहना पास होया जा सकता है वो बच्चे ने जिहड़े नॉर्मली अटेंड नहीं करते टीचर नू गाइडेंस नहीं लेंदे मोटीवेट नहीं होंदे अदरवाइज फेल होने वाले नहीं है कई दो दो दिन एक एक दिन पढ़ते हैं दैट इज़ वाई लोअर अचीवर है। सो तुसी होस्टस जरूर दो टीचर की गाइडेंस नू जरूर मनो PET दी नाल नाल तैयारी करो है ना सैल्फ असैसमेंट भी करो और एक इंटरनल असैसमेंट नहीं कम्युनिकेशन बना के रखो कि तुसी थ्योरी चो कित्थे स्टैंड करते हो वो थ्रू हाउस टेस्ट ही हो सकता है। थैंक यू।